नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा वर्मा। चलिए नजर डालते हैं देश भर के कुछ प्रमुख समाचारों पर। भारत से ज्यादा सुरक्षित पाक के परमाणु हथियार, अमेरिकी संस्था का दावा 10 साल में पहली बार बढ़ा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क। श्रीलंका में इस्तेमाल होगा भारतीय यूपीआई, राष्ट्रपति विक्रम सिंघे बोले, मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है भारत। पीएम ने कहा, मुसीबत में हम आपके साथ। संसद की कार्यवाही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित, लोकसभा में मणिपुर को लेकर हंगामा, राजनाथ बोले, हम चर्चा के लिए तैयार। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, ममता बोली, बेटी बचाओ नारे का क्या हुआ, सीएम बीरेन ने कहा, आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे। प्रियंका की सभा से तय होंगे कांग्रेस के मुद्दे, एमपी में चुनावी अभियान में रहेगी बड़ी भूमिका, विपक्ष के इंडिया बनने के बाद ग्वालियर में पहली रैली। भोपाल में हेड कांस्टेबल की बेटी की हत्या, गले पर चाकू के निशान, दोस्त ने मर्डर कर जंगल में फेंकी लाश। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट, कोहली शतक के करीब, टीम इंडिया का स्कोर 288 पे 4, यशस्वी रोहित 50 बनाकर आउट, गिल रहाड़े फिर से फ्लॉप। भारतीय फुटबॉल टीमों में असमानता, महिला टीम की रैंकिंग पुरुष से बेहतर, फिर भी प्राइज मनी में 60 गुना तक का अंतर। फिल्म अजमेर 92 आज रिलीज, खुलासा करने वाले पत्रकार बोले, खबर से कुछ नहीं हुआ तो लड़कियों की फोटो छापी, मचा हंगामा। मणिपुर की वीडियो देखने के बाद सो नहीं सकी सेलेना, कहा कांप रहा है शरीर, प्रियंका बोली, हिंसक खेल में महिलाओं को मुहरा बनाना गलत।